हे कृष्णा, अभी जो हम 10th की क्लास ले रहे हैं, तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट. अभी हमने कल न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था. लाइफ प्रोसेस जो 6th चैप्टर है आपका एनसीईआरटी की बुक का, उसका लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, वो हमने कंप्लीट किया. आज हम करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. इसमें हम करेंगे हेटरोट्रॉफिक, मतलब एनिमल्स में कौन सा है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एंड आई टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, दैट इन ऑटोट्रॉफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी कन्वर्टेड इंटू ऑर्गेनिक, बट हेटरोट्रॉफिक हैव टू यूटिलाइज कंज्यूम डायरेक्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड. सो नाउ इन हेटरोट्रॉफिक वी विल डू होलोजोइक. व्हाट इज होलोजोइक? यस्टरडे आई टोल्ड यू होलोजोइक मीन्स टेकिंग इन सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड. सो फर्स्ट वी विल डू इन अमीबा. अमीबा इज प्रोटोजोअन, मीन्स यूनिसेल्युलर एनिमल. 9th क्लास में आपने पढ़ा है डाइवर्सिटी के अंदर अमीबा क्या है, प्रोटोजोआ है. तो अमीबा के अंदर क्या एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, इट मेक्स स्यूडोपोडिया. क्या बनाता है वो? स्यूडो, स्यूडो मीन्स फॉल्स, स्यूडोपोडिया. स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, फॉल्स फीट, टेम्परेरी फॉल्स फीट. इट कैन चेंज इट्स शेप. दिस इज न्यूक्लियस साइट ऑफ प्लांट. वॉट हैपन व्हेन इट लिव्स इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, व्हेन एनी फूड इफ इट इज देयर, इट एक्सटेंड इट्स स्यूडोपोडियाज एंड एनगल्फ द एक्सटेंड करेगा और फूड को एंगल्फ करेगा. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. वॉट वॉज इंजेशन? सेकेंड, अब ये यहाँ पे एक फूड वैक्यूल के अंदर फूड है. डाइजेस्टिव एंजाइम विच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म मूव्स इन फूड वैक्यूल. एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंड दीज एंजाइम्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इन सिंपलर वन. सो कॉम्प्लेक्स फूड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन इंटू सिंपल कंपोनेंट. नाउ दिस सेकेंड प्रोसेस डाइजेशन. देन आफ्टर डाइजेशन व्हाट विल हैपन? डाइजेस्टेड फूड विल बी एब्जॉर्ब्ड इन साइटोप्लाज्म. सो थर्ड प्रोसेस एब्जॉर्प्शन. देन दैट फूड विच हैज एब्जॉर्ब बिकम पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म. एसिमिलेशन. एंड लास्ट दैट अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन्ड इन वैक्यूल. अनडाइजेस्टेड फूड दैट वैक्यूल कम्स नियर द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज डिस्कार्डेड आउट. दिस इज कॉल्ड इजेशन. सो इन दिस वे दैट फाइव प्रोसेस टेक प्लेस. दिस इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. इन द सेम मैनर न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बींग. होलोजोइक न्यूट्रिशन. आई एम गेटिंग द व्यूज ऑफ स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स आर माई स्टूडेंट्स एक्चुअली. माई स्टूडेंट्स आर सेइंग मैम छुट्टी में भी पढ़ना पड़ेगा, वाई? बट पेरेंट्स आर हैप्पी. दे आर सेइंग मैम यू आर डूइंग गुड. नाउ वी विल डू डाइजेशन इन ह्यूमन बींग, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन.
फर्स्ट टाइम मेकिंग सिंपल फ्लो चार्ट ऑफ इट. ह्यूमन डाइजेस्ट स्टार्टेड विद माउथ ओनली. सो माउथ, थ्री इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन माउथ, दैट आर टीथ, टंग एंड ग्लैंड्स, सेलिवरी ग्लैंड्स. Three pairs salivary glands are present that we will do in detail. First I am making simple flow chart. After digestion in mouth only digestion of starch take place, means carbohydrate digestion. See, next it moves to a food pipe esophagus, then esophagus to stomach. There are three parts of stomach and fundic, cardiac and pyloric. And gastric glands are present in stomach. Then food moves to small intestine, where maximum digestion take place. And absorption of food also take place in small intestine. There are three parts of a small intestine. Small intestine, duodenum, jejunum, ileum. And two glands are associated with it, liver and pancreas, exocrine gland. These are exocrine gland. Then food comes to large intestine. Again, three parts: cecum, colon, and rectum. Here, only water is absorbed, and then undigested food is discarded out. So, this is the simple flow chart. Now, we will do one by one. Can we start our digestion from mouth? Now mouth, I told you three main structures are there. First we will take teeth. Human teeth are heterodont. Heterodont means different types of teeth are there, like incisors, canines, premolars and molars. Incisors, canines, premolars and molars. पीछे कहाँ से बाइट करेंगे हम? आगे से. तो इंसीजर क्या करते हैं? इंसीजर यूज्ड इन बाइटिंग. कैनाइन टीयरिंग. इन कार्निबोर्स कैनाइन आर बिग बिकॉज दे यूज देम फॉर टीयरिंग. एंड प्रीमोलर्स एंड मोलर्स फॉर ग्राइंडिंग. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड
हेट्रोडोंट। हाँ सेकेंड टर्म कम्स लाइक दैट इज थीकोडोंट बिकॉज दे आर एम्बेडेड इन द गम्स सो दिस इज कॉल्ड थीकोडोंट एंड डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट मीन्स लाइक वी सी ह्यूमन बींग टू टाइम्स टीथ कम लाइक फर्स्ट आर मिल्क टीथ एंड सेकेंड परमानेंट टीथ दैट्स वे दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइफियोडोंट। सो दिस इज द दिस फंक्शन ऑफ द टीथ आर बाइटिंग टीयरिंग ग्राइंडिंग। Then, last molar is called wisdom teeth. It generally comes at after 18. So this is called wisdom teeth, last molar. Next tongue ka kya function hai? It mixes food with saliva. And also having taste buds. So that we can taste the food. Then salivary glands secrete saliva and very important enzyme is given in saliva that is salivary amylase. अगर question आएगा कि human के अंदर digestion कहाँ से start हो जाता है तो from mouth only क्योंकि यहाँ क्या present है salivary amylase. And what did this enzyme do? It act on starch. That is complex food. हम जो food लेंगे उसमें क्या होता है? Starch होता है. It act on starch, salivary amylase, and change it into simple components. That is glucose. Simple carbohydrate. So when we chew any starchy food like rice starting we don't feel sweetness but if we continue to chew it for some seconds you can feel sweetness because starch is polysaccharide. It is not sweet in taste, but glucose is sweet. So that's why. Now there is an activity paper में आपके exam paper में कभी कभी आता है question ये कि show the function of amylase. तो कैसे करेंगे? Take two test tubes and put rice in it. Boil rice. In A test tube, there are rice only. In B test tube, mix it with saliva. And stir it and put it like this for some time and after that do iodine test. कौन सी टेस्ट ट्यूब में पॉजिटिव आएगा आयोडीन टेस्ट? ए में, क्योंकि यहाँ पे क्या है राइस मीन्स स्टार्च ओनली तो यहाँ ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा बट हियर वी हैव मिक्स सिलाइवा एंड सिलाइवा हैज चेंज स्टार्च इनटू ग्लूकोज. So here it will not show iodine test. Like this we can see that saliva has converted starch into glucose. So this is a simple activity. So now food has digested in mouth. Now food comes into esophagus.
अब माउथ से जब इसोफेगस में इधर आएगा फूड, व्हाट हैपन हियर? डियर इज अ फूड पाइप एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो फूड पाइप है एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. सो दिस इज ए कॉमन पैसेज. यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ पे ये क्या है, थोड़ा सा कॉमन पैसेज है दोनों के बीच में. दिस इज कॉल्ड ग्लॉटिस. अब व्हेन वी ईट फूड, फूड गोज थ्रू दिस एंड एयर एक्सचेंज थ्रू दिस. नाउ समटाइम्स व्हेन वी एंड देयर इज अ ऑपरकुलम. यहाँ आप अपने माउथ को आप मिरर में देखेंगे खोल के, तो यहाँ पे आपको एक ऊपर ऑपरकुलम दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस. सो व्हेन वी ईट फूड दिस एपिग्लॉटिस दिस इट क्लोज दिस पाथ सो दैट फूड कैन नॉट कम इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. बट वॉट हैपन समटाइम्स व्हेन व्हाइल यू आर ईटिंग यू डू गॉसिप्स और इफ यू लाफ्स, देन वॉट हैपन, फूड फ्रॉम फूड पाइप टू इट मूव्स टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड यू फील सम अनइजीनेस दैट टाइम ना, एंड सम कफिंग लाइक. तो दैट्स वाई वी शुड नॉट टॉक मोर व्हाइल यू ईट. सो दिस इज नाउ फूड हैज एंटर्ड इन टू इसोफेगस. इन होल इंटेस्टाइन्स देर आर सम कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट्स सो दैट फूड कैन गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. इट कैन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. दोज मूवमेंट्स आर कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स इन होल एलिमेंट्री कैनाल. पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट टेक प्लेस. मूवमेंट टू पुश फूड फॉरवर्ड इन ईसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन. देन फूड कम्स इन टू स्टमक. नाउ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर देयर एंड दे सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस. इन गैस्ट्रिक जूस SCL इज प्रेजेंट एंड पेप्सिनोजन. टू थिंग्स आर देयर. वॉट इज द फंक्शन ऑफ SCL? इट किल जर्म्स एंड प्रोवाइड एसिडिक मीडियम. बिकॉज दिस पेप्सिनोजन इज इन इनएक्टिव फॉर्म, इट एक्ट ऑन प्रोटीन, बट वेन इट गेट एसिडिक मीडियम इट टर्न्स इन टू इट्स एक्टिव फॉर्म दैट इज पेप्सिनोजन. सो वेन पेप्सिनोजन convert in pepsin. Pepsin is an active form. It acts on proteins. अभी हमने देखा प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया यहाँ पे, और प्रोटीन्स विल ब्रेक इन टू पैप्टोन्स एंड पैप्टाइड्स. अल्टीमेटली प्रोटीन्स किस में ब्रेक हो जाएंगे? सबसे छोटा यूनिट क्या है प्रोटीन्स का? अमाइनो एसिड. बाद में लास्ट में जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होगा तो सारे प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. पेप्टोन्स एंड पैप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और ऑल्सो. सो इन दिस वे प्रोटीन डाइजेस्टेड हियर. नाउ देर इज अ व्हेन फूड कम्स इन स्टमक, हियर इज अ पाइलोरिक स्फिंक्टर. When digestion completed, food moves in small intestine. This pyloric sphincter open and food moves in small intestine. Now we know that HCl is a strong acid. It is very strong. Its pH is near about 1. So it is very strong acid and it can harm the lining of stomach. So there is a covering of mucus on the lining of stomach so that the HCl cannot come direct in on the
वॉल ऑफ द स्टमक। बट वॉट हैपन, ये क्वेश्चन जनरली आपको आ जाता है कि ड्यूरिंग फास्टिंग एक्चुअली एस सी एल ऑलवेज सीक्रेट इन वेरी माइन्यूट अमाउंट इन स्टमक। सो ड्यूरिंग फास्टिंग वॉट हैपन, नाउ देर इज नो फूड इन स्टमक, सो एस सी एल सीक्रेटिंग इन माइन्यूट अमाउंट, सो नाउ देर इज नो फूड ऑन विच एस सी एल हैव टू एक्ट, सो एस सी एल एक्ट ऑन दिस म्यूकस लेयर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इफ वेरी फ्रिक्वेंटली फास्टिंग इज देयर, सो वैन दैट एस सी एल कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वॉल ऑफ स्टमक मीन्स ऑन द म्यूकस, दैट जनरली देन वॉट हैपन, एस सी एल डिजॉल्व दिस म्यूकस। नाउ एंड इट ऑल्सो हैपन्स वैन समवन हैव वेरी स्पाइसी फूड इन स्टमक, एस सी एल इज सीक्रेटिंग एंड वेन यू आर हैविंग स्पाइसी सोर फूड देन एसिड इज ऑल्सो गोइंग, मोर एसिड इज देयर, सो वॉट हैपन वैन दिस एस सी एल डिजॉल्व दिस म्यूकस, देन एस सी एल डायरेक्ट कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टमक एंड देयर कैन बी वूंड ऑन अल्सर्स ऑन द स्टमक दैट आर कॉल्ड पैप्टिक अल्सर्स, पैप्टिक अल्सर्स। सो फ्रिक्वेंट फास्टिंग इज नॉट अलाउड एंड एसिडिटी ऑल्सो समटाइम बिकॉज नो फूड इज देयर एंड एस सी एल सीक्रेटिंग, सो अमाउंट ऑफ एस सी एल इंक्रीज हियर, सो वन कैन फील एसिडिटी ऑल्सो, सो फॉर टू पेसिफाई टू न्यूट्रलाइज दैट एसिडिटी वी यूज अ बेस दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इन दिस वे न्यूट्रिशन इन सेटिटाइजेशन इन स्टमक टेक प्लेस। मिल्क ऑल्सो कम्स इन सेमी सॉलिड फॉर्म हियर, मिल्क मिल्क डू नॉट कन्वर्ट इन सेमी सेमी सॉलिड फॉर्म, इट विल फ्लो आउट फ्लश आउट लाइक दिस ओनली एंड वी कैन नॉट देन वी विल नॉट बी एबल टू टेक इट्स न्यूट्रिएंट्स, दैट्स वाई इट कम्स इन सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म हियर बाई द एंजाइम ऑफ बाई द एंजाइम रेनिन एंड नाउ इन सेमी सॉलिड फॉर्म इट विल स्टे हियर सो दैट इट कैन डाइजेस्ट इट। नाउ द वॉट इज द पोजिशन ऑफ द फूड इन स्टमक आफ्टर डाइजेशन इज कॉल्ड, दैट इज सेमी डाइजेस्टेड फूड द इन स्टमक इज कॉल्ड काइम, काइम सेमी डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक एंड इन माउथ, माउथ में जब वो था जब डाइजेस्ट हुआ था उसके बाद माउथ में दैट इज वाज कॉल्ड बोलस, BOLUS फूड आफ्टर डाइजेशन इन माउथ, फूड डाइजेशन इन माउथ एंड हियर इट इज कॉल्ड काइम। सो इन दिस वे डाइजेशन टेक प्लेस इन स्टमक। नाउ पाइलोरिक स्फिंक्टर अलाउज फूड टू मूव इन स्मॉल इंटेस्टाइन, थ्री पार्ट्स आई टोल्ड यू इन जेजुनम एंड इलियम only absorption of food take place, and duodenum जो सारा digestion होगा वो कहाँ होगा, enzymes जो act करेंगे वो duodenum में, और absorption इन दोनों parts में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में टू ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड आई टोल्ड यू लाइक लिवर एंड पैंक्रियास। अब लिवर में, लिवर से आएगा बाइल जूस, एक डक्ट है हेपेटिक डक्ट के थ्रू,
हिपैटिक डक्ट, और क्या है इसके अंदर? बाइल जूस। एंड पैंक्रियास, पैंक्रियाटिक डक्ट आएगा यहां से, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होंगे उसके अंदर। दे बोथ मेक ए कॉमन डक्ट एंड देन ओपन इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस कॉमन डक्ट इज कॉल्ड हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। सो अब क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में एक दो बाइल जूस आ गया। कहाँ से आया बाइल जूस? लिवर से, और पैंक्रियास से आ गए पैंक्रियाटिक जूस। अब इनका फंक्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में? अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो हैव अ इट्स ओन एंजाइम्स। एंजाइम्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कलेक्टिवली दे आर नोन एज सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, अब बाइल जूस, फंक्शन ऑफ बाइल जूस। क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, बाइल जूस डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम्स, इवन इट डजेंट कंटेन एनी एंजाइम्स, इट इज नेसेसरी, इट इज असेंशियल फॉर डाइजेशन। वाई? तो बाइल जूस जो है, एक तो इट, इसके फंक्शन क्या है? इट इमल्सिफाइज फैट। इमल्सिफाइज मीन्स ब्रेक डाउन, फैट ग्लोब्यूल्स आर बिगर एंड दैट बिगर ग्लोब्यूल्स मीन्स एंजाइम्स कैन नॉट एक्ट ऑन दोज बिगर मॉलिक्यूल्स, सो दे फर्स्ट एमल्सिफाइज मीन्स बाइल जूस ब्रेक डाउन द फैट। फैट्स आर ब्रोकन डाउन इन फैट ग्लोब्यूल्स, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। एंड सेकेंड एड, जो एंजाइम्स हैं पेंक्रियास के, दे कैन, अभी कैसा मीडियम था? एसिडिक था स्टमक के अंदर। एंड पेंक्रेटिक एंजाइम्स कैन वर्क इन एल्कलाइन मीडियम, सो दे इट प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम। अब यदि एल्कलाइन मीडियम ये प्रोवाइड नहीं करेगा तो एंजाइम्स वर्क नहीं करेंगे, तो डाइजेशन नहीं होगा। दैट्स वाई बाइल जूस आर इम्पॉर्टेंट, वाइल इज इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। नो, एंजाइम्स ऑफ पेंक्रियास, पेंक्रियास में कौन कौन सी एंजाइम है? इसमें वापस से पेंक्रियाटिक एमाइलेज है इसके अंदर, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, विच इज इन एक्टिव फॉर्म, व्हेन इट कम इन कॉन्टेक्ट विद एल्कलाइन मीडियम इट चेंज इनटू एल्कलाइन मीडियम इट चेंज इनटू ट्रिप्सिन। ठीक है, देन लाइपेज, लाइपेज एक्ट ऑन फैट। एमाइलेज अगेन वर्क ऑन कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। वॉट इज अ बेसिक यूनिट इज लाइक मोनोमर, मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट, लाइक ग्लूकोज इज ए मोनोमर। देन टू यूनिट ऑफ ग्लूकोज, टू यूनिट ऑफ ग्लूकोज मीन्स ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मेक माल्टोज। सो दीज आर मोनोमर, दिस इज डाइमर, दिस इज मोनोसेकेराइड। एक यूनिट से जो बने हैं मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड ये डाइसेकेराइड, और फिर बहुत सारे यूनिट होंगे तो पॉलीसेकेराइड, फिर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज इज ऑल्सो मोनोमर। दे मेक
सुक्रोज, दिस इज डाइसेकेराइड एंड ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज इट मेक्स लैक्टोज विच इज प्रेजेंट इन मिल्क. सो दीज आर डाइसेकेराइड्स. सो एमाइलेज एक्ट ऑन पॉलीसेकेराइड चेंज देम फर्स्ट इन डाइसेकेराइड्स, फिर क्या होगा, माल्टेज, माल्टेज एक्ट ऑन माल्टोज एंड चेंज इट इन टू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज. सुक्रेज, एंजाइम्स के नाम्स भी ऐसे होंगे इधर, माल्टेज. पहले क्या हुआ, ये जो एमाइलेज था इसने पॉलीसेकेराइड्स को, एमाइलेज ने लास्ट में किसमें, ये डाइसेकेराइड्स में चेंज कर दिया. अब ये डाइसेकेराइड्स से हैं तो अभी यहाँ पे माल्टेज एंजाइम वर्क करेगा और माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा. सुक्रेज, सुक्रेज वर्क करेगा और सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा. लैक्टेज वर्क करेगा और इसको ग्लूकोज एंड गैलेक्टेज में कन्वर्ट कर देगा. नाउ दे ऑल आर इन देयर बेसिक यूनिट, मोनोमर्स. इन दिस वे डाइजेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स टेक प्लेस. देन प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स के फॉर्म में आ चुके थे. अब यहाँ पे ट्रिप्सिन एक्ट करेगा, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, ट्रिप्सिन एक्ट करेगा एंड चेंज देम इन अमाइनो एसिड विच इज द बेसिक यूनिट. और लाइपेज, अभी तक फैट का डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ था तो यहाँ पे फैट के ऊपर लाइपेज एक्ट करेगा एंड फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. अब ये सारे अपने बेसिक यूनिट्स में आ गए. अभी आपके एनसीईआरटी में, आपके सिलेबस में इतने ही है, अदरवाइज देयर मोर एंजाइम्स लाइक डीएनएज विथ डाइजेस्ट डीएनए, आरएनएज एंड सेलुलेज, मोर एंजाइम्स आर देयर बट वी हैव टू लर्न दिस ओनली. नाउ फूड हैज टर्न इनटू इट्स बेसिक यूनिट्स, सारा बेसिक यूनिट्स में आ गया है. नाउ अभी डायरेक्ट चपाती तो, ब्रेड तो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता. अब जब फूड जो है अपने बेसिक यूनिट्स के अंदर आ गया तो नाउ इट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड. हाउ, देयर आर स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन दे इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, एब्जॉर्प्शन एरिया इन्होंने इंक्रीज कर दिया, दैट आर कॉल्ड विलाय. एंड फर्स्ट फूड एब्जॉर्ब बाय दिस विलाइज एंड दिस विलाइज रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट ब्लड ब्लड वेसल्स. सो फ्रॉम विलाय फूड मूव्स टू ब्लड एंड फ्रॉम ब्लड कहाँ ले जाएगा, डिफरेंट सेल्स के अंदर. तो इस तरह से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा. और अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है विद वॉटर, इट कम्स इन टू लार्ज इंटेस्टाइन एंड इन लार्ज इंटेस्टाइन ओनली द एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर टेक प्लेस. सो इन दिस एंड देन अनडाइजेस्टेड फूड इज डिस्कार्डेड आउट. सो इन दिस वे डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन ह्यूमन बींग. नाउ दे आर सम क्वेश्चंस विच जनरली कम इन एग्जाम दैट आई एम टेलिंग यू, दैट फर्स्ट इज इन हर्बीबोर स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर देन दैट ऑफ कार्निबोर. हर्बीबोर्स के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ा लार्जर है देन कार्निबोर. क्यों? क्योंकि हर्बीबोर जो है दे आर प्लांट ईटिंग एंड इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट प्लांट प्रोडक्ट्स. तो प्लांट प्रोडक्ट, दैट्स वाई द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज मोर इन हर्बीबोर्स एंड आर एनाटॉमी इज लाइक दिस ओनली. मीन्स हमारा एनाटॉमी ऐसा ही है अकॉर्डिंग टू वेजिटेरियन. हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे एंजाइम्स ऐसे हैं लाइक नेचर हैव डिजाइन अस फॉर वेजिटेरियन, मीन्स फॉर प्लांट फूड्स.
फिर इसमें और क्वेश्चन एक आपको इम्पोर्टेंट मैंने बताया, फंक्शन आता है एज उसके गैस्ट्रिक जूसेस के, पैप्टिक अल्सर का, देन बाइल जूस, कि बाइल जूस डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम इवन आफ्टर इट इज असेंशियल, वाई इट इज सो, एंड डायग्राम, एक डायग्राम भी आता है आपको। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड विलाई, फंक्शन ऑफ विलाई। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस डाइजेशन, द पार्ट न्यूट्रिशन हैज कंप्लीटेड नाउ। नाउ वी विल डू रेस्पिरेशन, बट लाइक मैंने आपको बोला था, ये चैप्टर जो है बायो का बहुत बड़ा चैप्टर है, हम कंटिन्यूस बायो पढ़ेंगे, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो फर्स्ट हमने लाइक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, अभी हमने बायो का ये एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, न्यूट्रिशन। नाउ थ्री टॉपिक्स आर लेफ्ट इन दिस चैप्टर, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, दैन दैट वी विल डू आफ्टर वर्ड। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि आपका टेस्ट थोड़ा चेंज होता रहे, नहीं तो मोनोटोनस हो जाएगा। तो अभी अभी आप ये कंप्लीट दो, अभी हमने एक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया केमिस्ट्री का, और ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया। तो प्लीज़ आप इसको पढ़िए, और फिर हम जल्दी से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे जिसमें हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, और फिर असाइनमेंट मिलेंगे आपको। तो पहले आप अच्छे से पढ़िए और लर्न कीजिए, और सारे जो ब्लू क्वेश्चंस हैं और टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आप करिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप वो मुझे पूछ सकते हैं। तो एन्जॉय करिए छुट्टियाँ, मतलब अभी 21 डेज का है, लेकिन एक्सटेंड होगा, हर कोई यही बोल रहा है। तो अभी ये टाइम है, आप इसमें अपना बहुत अच्छे से पूरा टाइम मैनेज कर सकते हैं। आप अपना जो हॉबीज़ हैं उनको और ज़्यादा मीन्स हॉबीज़ पूरा करने का टाइम नहीं मिलता ना जब स्कूल होता है, तो अभी आप अपना हॉबीज़ पूरी कर सकते हैं, और साथ में थोड़ा टाइम अपना पढ़ाई को दे सकते हैं, जिससे कि बाद में बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन ना हो। तो नेक्स्ट टॉपिक टुमारो वी विल डू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, टिल देन बाय।